The London Top Show is sponsored by Nextdoor Hub. अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आओ फ्री में. जब रास्ते मुश्किल होते हैं तो मंजिल पाने की जिद और बढ़ जाती है. बिजनेस आपका जो भी हो, Nextdoor Hub के साथ अपना ऑनलाइन स्टोर बनाओ बिल्कुल फ्री में और अपना बिजनेस बढ़ाओ. अब घर बैठे नजदीकी दुकान से शॉपिंग होगा आसान. देश का अपना ऑनलाइन मार्केट nextdoorhub.com. ये बात आज दिन भर खूब चली कि भारत चीन सीमा पर आखिरी दफा गोली 1967 में चली थी, नाथुला और चोला की लड़ाई. लेकिन आम जनमानस की स्मृति में भारत चीन के झगड़े को लेकर आने वाला साल 1962 का है, जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ. तो फिर 5 साल बाद दोबारा गोली चलने की नौबत क्यों आई? पहले ये जान लीजिए कि 1962 से 1967 के बीच क्या हुआ. चूंकि भारत 62 की लड़ाई में चीन से बुरी तरह हारा था, तो हमने अपना पूरा ध्यान सेना को मजबूत करने में लगाया. भारी संख्या में फौज में भर्तियां हुई, सैनिक प्रशिक्षण और रणनीति में बड़े बदलाव किए गए. भारत ने तय किया कि चीन से बातचीत चलती रहेगी, लेकिन अगर दोबारा हमला हो जाए तो हमारी तैयारी पूरी रहनी चाहिए. इसी तैयारी का हिस्सा थे सेना के माउंटेन डिविजन्स, यानी सेना की वो टुकड़ियां जो वैसे पहाड़ी इलाकों में लड़ने में माहिर हों जैसे चीन की सीमा पर पड़ते हैं. भारत ने सिक्किम में भी इन टुकड़ियों को तैनात किया था. तब सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन 1950 में भारत और सिक्किम के बीच एक संधि हुई थी जिसके तहत भारत ने सिक्किम को संरक्षण दिया था. तो भारत की सेना सिक्किम और तिब्बत की सीमा पर तैनात रहती थी. भारत अब चीन को दोबारा अपने इलाके में घुसने का मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए जितने दर्रे या माउंटेन पास थे उन पर सघन निगरानी रहती थी. इनमें सबसे प्रमुख था सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक से कुछ 50 किलोमीटर दूर नाथुला पास. यहाँ भारत और चीन की सेनाएं आज भी बहुत करीब तैनात हैं. कुछ एक जगह तो बस 25 मीटर की दूरी है. चीन को इस बात से चिढ़ थी, तो उसने 1965 से भारत को अल्टीमेटम देना शुरू किया कि नाथुला और जेलेप्ला से अपनी फौज हटा लो. दिल्ली में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज यानी CLAWS इस नाम का एक थिंक टैंक है जो रक्षा मामलों पर काम करता है. इसकी वेबसाइट पर 27 मई 2011 को मेजर जनरल शेरू थपलियाल रिटायर्ड उनका एक लेख छपा जिसमें उन्होंने 1967 में नाथुला की लड़ाई का ब्यौरा दिया. थपलियाल नाथुला ब्रिगेड के कमांडर रहे हैं. वो लिखते हैं कि जेलेप्ला से तो भारत की फौज हटी, लेकिन नाथुला पर तैनात माउंटेन डिवीजन ने पीछे हटने से इनकार कर दिया. उन दिनों इस डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग यानी GOC होते थे लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह. ये 71 की पाकिस्तान की लड़ाई के भी हीरो थे. रातों रात इन्होंने नदी पार की और कैसे ढाका पर अपना कब्जा जमाया. 6 सितंबर 1967 को नाथुला पर बॉर्डर पेट्रोलिंग के वक्त बहस हुई. बहस के दौरान दोनों तरफ धक्का मुक्की हुई, जिसमें चीन की टुकड़ी में तैनात पॉलिटिकल कमिसार गिर गए, उनका चश्मा टूट गया. भविष्य में ऐसा कोई विवाद बढ़ते बढ़ते हाथ से न निकल जाए, इसके लिए फिर सेना ने एक जुगाड़ वाला समाधान निकाला. क्योंकि सीमा पर मार्किंग नहीं थी तो तय हुआ कि नाथुला के पास स्थित सेबुला और कैमल्स बैग तक एक बाड़ बिछा दी जाए. सेबुला और कैमल्स बैग सिक्किम की हद में थे, यहाँ से नाथुला पर नजर रखी जाती थी. बाड़ बिछ जाती तो रोज रोज दोनों तरफ के जवान नहीं उलझते. इसके लिए इंजीनियर्स की 70 फील्ड कंपनी और 18 राजपूत की एक कंपनी को लगाया गया. 11 सितंबर 1967 की सुबह ये काम शुरू हुआ. पॉलिटिकल कमिसार अपने साथ चीनी फौज के कुछ जवान लेकर फिर नाथुला पहुंचे. उन्होंने वहां मौजूद लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह से बाढ़ का काम रोकने को कहा. यही बातचीत विवाद में बदली. थोड़ी देर धक्का मुक्की हुई, फिर कमिसार अपनी टुकड़ी लेकर लौट गए. बाढ़ लगाने का काम फिर शुरू हुआ, लेकिन तभी चीन की तरफ से हमला हो गया. थपलियाल लिखते हैं कि 70 फील्ड रेजिमेंट और 18 राजपूत के जवान खुले में थे, तो जब उन पर मीडियम मशीन गन से गोलियां चलाई गईं तो कई जवान शहीद हुए. 2 ग्रेनेडियर्स के कैप्टन डागर और 18 राजपूत के मेजर हरभजन सिंह ने मीडियम मशीन गन से चढ़ाई की कोशिश की, वो भी शहीद हुए. कुछ ही देर में भारत की तरफ से तकरीबन 70 सैनिक शहीद हो चुके थे. इसके बाद भारत ने गोलियों का बदला गोलों से लिया. चूंकि भारत की आर्टिलरी यानी तोपखाने की पोजीशन चीन के तोपखाने की तुलना में बेहतर थी, चीन को भारी नुकसान हुआ. 14 सितंबर को दोनों तरफ से गोलीबारी रुकी. तब तक चीन के 300 से 400 सैनिक मारे जा चुके थे. एक अनुमान है कि भारत के भी लगभग 80 सैनिक शहीद हुए. 15 सितंबर को दोनों तरफ से पार्थिव शरीरों की अदला बदली हुई.
इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल सैम मानेकशॉ खुद वहां मौजूद थे। 20 दिन बाद लगभग इसी तरह की झड़प चोला नाम की जगह पर भी हुई। ये भी एक दर्रा है नाथूला से कुछ ही किलोमीटर उत्तर की दिशा में। 1 अक्टूबर 1967 को यहाँ भारत और चीन के बीच झड़प हुई जो पूरे दिन चली। शुरुआत में 7-11 गोरखा और 10 जम्मू कश्मीर राइफल्स ने कुछ नुकसान उठाया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसके बारे में मेजर जनरल थपलियाल लिखते हैं कि लड़ते लड़ते चीन की सेना को हमने 3 किलोमीटर तक पीछे धकेल दिया और 3 किलोमीटर पहले की ये सीमा। यही चीन की सेना इसी पॉइंट पर अब तैनात है, जिसे काम बैरक्स कहा जाता है। चोला भारत के नियंत्रण में तब भी रहा, आज भी है। चोला और नाथूला में मिलाकर भारत के 80 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए। चीन की तरफ से 300 से 400 जवानों के मारे जाने का जिक्र है, लेकिन बात यहाँ मृत्यु के आंकड़े की नहीं है जो मैं दोहरा रहा हूँ। नाथूला और चोला में मिली जीत ने भारत की सेना का मनोबल बढ़ाने का काम किया। 1962 की जंग से जो मनोवैज्ञानिक दबाव बना था उसे खत्म करने का काम किया कि चीन चाहे जितना बड़ा हो, ताकतवर दिखे, उसे उसी की जबान में सबक सिखाया जा सकता है। लेकिन 1967 वो आखिरी साल नहीं था जब भारत और चीन के बीच गोली चली। द हिंदू अखबार में 14 जून को अनंत कृष्णन की एक रिपोर्ट छपी है। इसमें अनंत लिखते हैं कि 1967 के 8 साल बाद भी भारत और चीन के बीच गोली चली थी। 20 अक्टूबर 1975 में अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला में असम राइफल्स के 4 जवानों की एक पेट्रोल पार्टी पर चीनियों ने हमला किया। ये जवान शहीद हो गए। इस वाक्य को लेकर कुछ मतभेद हैं। कुछ लोग इसे कोहरे की वजह से हुआ एक हादसा बताते हैं, लेकिन अनंत की रिपोर्ट में पूर्व विदेश सचिव और चीन में राजदूत रही निरुपमा राव का बयान छपा है। राव कहती हैं कि 20 अक्टूबर 1975 को जो हुआ वो हादसा नहीं, हमला था जिसमें 4 जाने गई थी। गोलीबारी के बाद विवाद तुरंत शांत नहीं हुआ, क्योंकि भारत पार्थिव शरीर 28 अक्टूबर को वापस ले पाया। अनंत अपनी रिपोर्ट में अमरीकी सरकार के एक दस्तावेज का हवाला देते हैं, जिसमें एक भारतीय खुफिया विभाग के अधिकारी के हवाले से लिखा है कि चीन भारत के हिस्से में एक दीवार बनाने की कोशिश कर रहा था। भारत सरकार भी यही मानती है कि चीन के सैनिक LAC के इस तरफ आए और उन्होंने पेट्रोल पार्टी पर हमला किया। चीन कहता रहता है कि उसने जो किया वो आत्मरक्षा में किया। इन दोनों वाक्यों से हमें पता चलता है कि भारत और चीन की सेनाओं के बीच सीमा विवाद को लेकर झड़पों का स्वरूप कितना कम बदला है। बात पेट्रोलिंग से शुरू होती है, मार्किंग को लेकर विवाद होता है, बहस होती है, फिर हाथापाई। 1967 और 1975 की घटनाएं अपवाद लगती थी कि 1962 के बाद बस यही दो मौके थे जब किसी की जान गई, लेकिन 16 जून 2020 की तारीख ने इसे बदल दिया है। हमें ये बताया है कि जिन हालात को हम सामान्य मानकर चलते हैं उनमें कितना तनाव छिपा हो सकता है, कितना खतरा हो सकता है। इस खतरे ने एक बार फिर हमारा खून बहाया है। इसलिए बेहद जरूरी है कि नरेंद्र मोदी की सरकार, भारत की सरकार बोले। हम जानना चाहते हैं कि भारत और चीन के बीच मई की शुरुआत में हुआ क्या। मोदी सरकार को बताना होगा कि क्या चीन की सेना भारत के इलाके में घुस आई थी। अगर नहीं तो फिर सीमा पर इतना बड़ा सैनिक जमावड़ा क्यों हुआ। जिन जख्मी जवानों की तस्वीरें हमने सोशल मीडिया पर देखी और जिनके बारे में लिखा गया कि वो सच्ची हैं, उन्हें लेकर सरकार ने खुलकर कुछ क्यों नहीं कहा। जब राजनयिक से लेकर सैनिक स्तर की बातचीत में ये तय हुआ कि दोनों पक्ष पीछे हटेंगे, तो फिर ये खबरें क्यों आईं कि चीन से लगी पूरी सीमा पर फौज का जमावड़ा हो रहा है। क्या कोई बात है जो सरकार हमसे छिपा रही थी। UPA सरकार के दौरान सैकड़ों किलोमीटर जमीन चीन के कब्जे में जाने की खबर भी आई। अगर ये सत्य था तो भारत सरकार ने जनता को क्यों नहीं बताया, इसे वापस लाने के लिए क्या किया गया। कब तक हम सूत्रों के हवाले से आने वाली खबरों से काम चलाते रहेंगे। वो दिन कब आएगा जब राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों के जवाब नेता वर्चुअल रैली में एक नारे की शक्ल में नहीं बल्कि संसद में खड़े होकर देंगे, देश को देंगे। कन्नी काटने का वक्त खत्म हो चुका है और ये बात अब मोदी सरकार को भी मान लेनी चाहिए। सरकार जनता से आंख की पुतली की छाप भी लेना चाहती है, लेकिन उसी जनता की आंख से आंख मिलाकर जनता के सवालों के जवाब नहीं देना चाहती।